तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल डीडीबी कैंपस में। तो दोस्तों, आपने थंबनेल पर देख लिया है आज हम इस वीडियो में किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे ग्राफ निकालना। सबसे पहले आपको हम बता दें, जब आपको दो समीकरण, क्या दोस्तों, जब भी आपको दो समीकरण दिया होता है और उसमें हमें चर का मान निकालना होता है, क्या दोस्तों, चर का मान बोले तो एक्स और वाई का मान निकालना होता है, तो हमने कितने विधि पढ़ रखा है? तो आप कहेंगे सर हम तीन विधि पढ़ रखे हैं, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिलोपन विधि तथा प्रगुणन विधि, और एक ग्राफीय विधि से होता है जिसे हम ग्राफ ग्राफ विधि से भी एक्स और वाई का मान यानी चर का मान निकाल सकते हैं। तो उस मान को निकालने के लिए सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है। किसकी दोस्तों? कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है, यानी एक्स और वाई के कुछ मानों की आवश्यकता होती है। कोऑर्डिनेट बोले तो जो कि ग्राफ पे जिसको रखकर जिसे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और जहाँ भी लाइन इंटरसेक्ट करती है, लाइन प्रतिच्छेद करती है, यानी लाइन काटती है, वहीं से हमारा एक्स और वाई का मान निकलता है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और अपने इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देख रहे हैं, हमें दो समीकरण दे रखा है। एक समीकरण क्या दिया है हमें, 2x + y - 6 = 0, और दूसरा समीकरण क्या दिया है, 4x - 2y - 4 = 0। सबसे पहले हम समीकरण को सही करेंगे। समीकरण को हम कैसे सही करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो 2x + y = 6 ले लेंगे, हमें इज इक्वल टू में जीरो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास, तो आप कहेंगे सर जी है 4x - 2y, और -4 उधर चला जाएगा, 3 हो जाएगा +4, और हमें जीरो लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब हमने आपको क्या बताया कि हमें दो, कम से कम दो कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है, जिसमें एक्स का मान या वाई का मान रखते हैं, जिसका मान रखेंगे और उसके अगेंस्ट हमें अगर एक्स का रखेंगे तो वाई का मान प्राप्त होगा, अगर वाई रखेंगे तो एक्स का मान प्राप्त होगा। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, क्या दोस्तों, इसको हम मान लेते थे समीकरण नंबर फर्स्ट, और इसको क्या मान लेते हैं दोस्तों, समीकरण नंबर सेकेंड। अब निकालते हैं हम एक्स और वाई का मान, क्या दोस्तों, एक्स और वाई का मान निकालेंगे। तो आइए एक्स और वाई का मान निकालते हैं। सबसे पहले हम समीकरण एक क्या देखते हैं, सबसे पहले समीकरण एक को सॉल्व करते हैं। हमने माना क्या दोस्तों, हमने मान लिया, हमने क्या माना, हमने माना कि एक्स बराबर दो ले लेते हैं, एक्स बराबर दो ले लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण एक में रखेंगे, तो हमें यहाँ एक्स का मान रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 × 2 + y = 6 हो जाएगा, यानी हमने x का मान रखा है, तो हमें किसका मान प्राप्त होगा दोस्तों, तो आप कहेंगे सर जी y का मान प्राप्त होगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, और +y हो जाएगा = 6 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 जाएगा उधर, माइनस हो जाएगा, यानी 6 - 4। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, तो आप कहेंगे सर जी y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब एक मान और निकाल लेंगे। हमने आपको क्या बताया कि कम से कम हमें दो मान निकालने की आवश्यकता पड़ती है। तो दूसरा मान हमने क्या मानते हैं, तो हमने माना x माने की y, चलिए x ही मान लेते हैं, तो x इज इक्वल टू हमने 4 मान लिया, x इज इक्वल टू 4 मान लिया। फिर समीकरण एक में रखेंगे, क्या कर रखेंगे, 4 × 2 + y = 6। अब हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 4 × 8, और ये 6 है, 8 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 6 - 8 हो जाएगा। तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर जी -2 हो जाएगा वाई इज इक्वल टू। ये आ गए हमारे दो मान समीकरण एक के। अब हम समीकरण दो के भी दो मान निकालेंगे, तो आइए समीकरण दो के दो मान निकालते हैं। समीकरण दो यहाँ लिख लेंगे हम, क्या दोस्तों, यहाँ पर हम समीकरण दो लिख लेंगे, ठीक है, समीकरण दो। फिर हम मानते हैं एक्स का मान मानते हैं, ठीक है। तो माना क्या दोस्तों, माना x इज इक्वल टू क्या मान लिया, चलिए x इज इक्वल टू इसमें भी हमने 2 मान लिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 4 × 2 - 2y = 4। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, -2y = 4, और ये हो जाएगा 4 × 8, ये हो जाएगा -8। तो -2y = क्या बच जाएगा 4 में से, तो आप कहेंगे सर ये -4 बच जाएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, और ये 2 × 4, तो इसमें हमारा y इज इक्वल टू क्या आ गया, तो आप कहेंगे सर जी इसमें हमें y इज इक्वल टू 2 प्राप्त हो गया, y इज इक्वल टू 2 प्राप्त हो गया, ठीक है। एक मान निकल गया। हमने आपको क्या बताया था कि कम से कम हमें x और y के दो मानों की आवश्यकता होती है, तो ठीक है एक मान और निकाल लेते हैं। हम क्या माना, आइए फिर से मान लेते हैं कि माना x इज इक्वल टू, इस पर आइए 1 ही मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो ये 4 × x का मान क्या है दोस्तों, 1 − 2y = 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4 − 2y = 4 हो जाएगा 4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं हम −2y = क्या हो जाएगा 4, और ये 4 इधर प्लस में उधर जा करके माइनस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -4।
ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो माइनस का 0 बटा में 2। और आपको पता होगा कि दुनिया, सॉरी ये नहीं होगा, ये हो जाएगा माइनस का, हाँ ठीक है, माइनस का 0/2। और आपको पता होगा कि हम 0 के दुनिया के किसी भी नंबरों से भाग करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, तो आप कह देंगे सर जी y इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमें समीकरण ने यहाँ क्या के लिए लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम समीकरण एक लिख लेते हैं, और यहाँ लिख लेते हैं x, और यहाँ लिख लेते हैं y। ये समीकरण एक का है कि हमें समीकरण एक में x और y के दो मान मिल चुके हैं, ठीक है। और यहाँ लिख लेते हैं हमने क्या माना है, तो हमने माना है पहले दो माना है, पहले हमने क्या माना है दोस्तों, दो माना है, तो x दो, तो हमारे पास y के मान क्या निकल के आया, तो आप कहेंगे y के मान दो निकल के आ गया है। फिर हमने क्या माना है, तो आप कहेंगे सर जी हमने 4 माना है, तो निकल के क्या आया है, x का मान क्या माना है 4, तो निकल के क्या आया है, तो -2 आया है। ये हो गया हमारा समीकरण एक का सॉल्यूशन, ठीक है। अब आते हैं समीकरण दो पे, ये है हमारा समीकरण नंबर दो, समीकरण नंबर दो, समीकरण नंबर दो फिर वही लिख लेते हैं x और y, ठीक है, x और y, हमने x और y लिख लिया, ठीक है। अब आप बताइए कि हमने समीकरण दो में x का मान सबसे पहले क्या माना है, तो आप कहेंगे सर जी सबसे पहले हमें ने दो माना है, x इक्वल टू हमने क्या माना है, दो माना है, तो यहाँ लिख लेंगे दो। हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो आप कहेंगे सर जी हमें दो प्राप्त हो गया है, ठीक है। फिर हमने क्या माना है, तो आप कहेंगे सर जी हमने वन माना है, क्या माना है दोस्तों, वन माना है। और हमें क्या प्राप्त हो गया है, तो हमें जीरो प्राप्त हो गया, ठीक है। ये था हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन, और हमने प्रत्येक समीकरण का दो दो कोऑर्डिनेट निकाल लिया है, पहले समीकरण का भी दो कोऑर्डिनेट निकाल लिया है, और दूसरे समीकरण का भी दो कोऑर्डिनेट निकाल लिया। आप फटाफट इसको नोट करें ताकि हम इसको इरेज कर देते हैं, तो ठीक है। अब करते हैं हम इसको इरेज, क्योंकि आपने इसको नोट कर लिया है, अब हम कर देते हैं इसको इरेज। और आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ आ रहा होगा समीकरण। अब हम बनाएंगे अपने कोऑर्डिनेट के थ्रू अपने ग्राफ को सॉल्व करेंगे, और बनाएंगे अपने एक्स और वाई चर का, सॉरी हमने कुछ ज़्यादा ही मिटा दिया, हाँ। अब हम निकालेंगे अपने चर यानी एक्स और वाई का मान निकालेंगे ग्राफ विधि से। आपको अब हमने पहले वीडियो में मतलब शुरू कर रहे थे तभी हमने आपको बताया कि हम कितने विधि से निकाल सकते हैं, तो पाँच विधि से निकाल सकते, सॉरी चार विधि से, प्रतिलोपन, प्रतिस्थापन, ब्रज गुणन और ये ग्राफीय विधि से। अब इसको हम ले चलते हैं अपने ग्राफ, इसको बना लेते हैं। अब आइए इसको सबसे पहले इसकी मान के हमें आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मान के यहाँ रख लेते हैं, और हम बनाते हैं अपने ग्राफ को। तो हम ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता होगा हम लेते हैं अपने पेपर और स्केल, और पेपर और स्केल लेने के बाद हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो वैसे ही हम यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, आ जाइए हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। हमने फिर अब हमारे ये एक्स का वाई कोऑर्डिनेट हो गया, अब हम ले लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और ये हो गया हमारा एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब आपको दोस्तों पता होगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, तो आपको बोलते हैं इसको सर ये प्लस का वाई के बोलते हैं, ये प्लस में वाई, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइनस का वाई, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्स, तो क्या बोलते हैं दोस्तों, तो आप कहेंगे सर जी इसको बोलते हैं हम एक्स, और इसको बोलते हैं माइनस एक्स। अब इसमें हम अपने लाइन्स पे नंबर रखते हैं, तो आइए नंबर रख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन, इसको मान लेते हैं टू, इसको मान लेते हैं थ्री, इसको क्या मान लेते हैं थ्री, इसको मान लेते हैं फोर, और इसको मान लेते हैं फाइव। हम जितनी बड़ी हमारी संख्या होगी उतने बड़े हम नंबर ले सकते हैं। इसको मान लेते हैं वन, इसको मान लेते हैं टू, इसको मान लेते हैं थ्री, इसको मान लेते हैं फोर, इसको क्या मान लेंगे माइनस का वन, ये हो जाएगा हमारा माइनस का टू, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का थ्री, और ये हो जाएगा माइनस का फोर। इसको भी मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा माइनस का वन, ये हो जाएगा माइनस का टू, और ये हो जाएगा माइनस का थ्री। इतनी संख्या हमारे लिए बहुत है जितने हमारे इक्वेशन के जो हमारे कोऑर्डिनेट प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले हम समीकरण एक को देखते हैं कि समीकरण एक में हमारा एक्स का मान, हमें एक्स पर चलना होगा और वाई पर चलना होगा जहाँ जहाँ पॉइंट मिले हैं। सबसे पहले आप बताइए कि हमारे एक्स में कितने पॉइंट प्राप्त है, तो दो, तो यहाँ हम दो लिख लेंगे। सबसे पहले दो पे डिनोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने दो पे मार्का कर लिया अपना, दो पे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने दो पे मार्का कर लिया। उसके बाद y में कितना, तो y में दो है, तो ये आ जाएगा y में हमारे पास, यहाँ आ जाएगा दो, ये हो जाएगा इसके सामने का और ये हो जाएगा इसके सामने का। आप यहाँ को पॉइंट यहाँ दिख रहा होगा, आई होप कि आपको ये पॉइंट और थोड़ा बड़ा कर दे कि दादा आपको समझ में आया, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा हमने बड़े कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमें एक और पॉइंट प्राप्त है कोऑर्डिनेट चार और माइनस दो, तो एक्स में चार कहाँ है, तो आप ये हो जाएगा एक दो तीन, और ये हो जाएगा हमारा एक्स में वाई, एक्स में चार, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा एक्स में चार हो गया, और फिर वाई में माइनस दो, ये हो जाएगा हमारा वाई में माइनस दो, यहाँ ये माइनस दो है, ये यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, ये मिल गया यहाँ पर। तो
तो हम क्या करेंगे, अब हम अपने समीकरण को जो है लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो आइए हम लाइन को ड्रॉ करते हैं। और दोस्तों आपको पता है कि जहां हमारे पॉइंट मिलते हैं, हमारा पहला पॉइंट कहाँ मिला, फिर आपको लाल से दिखा देते हैं, ये दो और ये दो, पहला पॉइंट हमारा कहाँ मिला, यहाँ मिला है। और दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, फोर माइनस टू, तो ये हो जाएगा फोर और ये हो जाएगा माइनस टू, हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ मिला है। अब इसको स्केल के थ्रू, इसको लाइन को हम खींच देते हैं। तो आइए इसको स्केल के थ्रू हम आपके लाइन को खींच देते हैं, इसको सिंपल ड्रॉ करते हैं। ये थोड़ी हम स्केल से सहायता नहीं कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी हमारी लाइन जो होगी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, उससे घबराना नहीं है। आप स्केल से बनाएगा आपकी लाइन बिल्कुल सीधी होगी, ये लाइन थोड़ी सी हमारी टेढ़ी हो गई, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा समीकरण एक का है, ये समीकरण एक का, ये लाइन किसके दोस्तों, ये है समीकरण एक का। अब देखते हैं समीकरण नंबर दो के जो कोऑर्डिनेट प्राप्त हैं, उस कोऑर्डिनेट को हम कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा दो कमा दो है, तो ये भी हमारा दो और कमा दो हमारा कहाँ प्राप्त होगा, तो आप कहेंगे सर जी हमारा ये भी यहाँ प्राप्त होगा, ठीक है। एंड हमारा क्या एक कमा जीरो है, समीकरण में एक और जीरो यहाँ आ जाएगा, इसको मान कहाँ प्राप्त होगा दोस्तों, यहीं पर प्राप्त हो जाएगा इसको। अब इस लाइन को हम सीधे सीधे क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर जी इसको हम सीधे सीधे मिला देंगे, आइए मिलाते हैं ये। दोस्तों आप ये देख रहे हैं इसमें हमारी लाइन यहाँ दो कॉमा दो पर लाइन हमारी काट दे रही है, ठीक है। तो यहाँ किस पर काटी है दोस्तों, दो कॉमा दो, और हमें सभी कोऑर्डिनेट को लिखने का लिखना बहुत ही जरूरी होता है। ये दो कॉमा दो का है और ये क्या है दोस्तों, ये फोर कॉमा माइनस दो का है और ये जो है वन कॉमा जीरो का है। और आप बताइए कि हमारा जो कोऑर्डिनेट प्रतिच्छेद यानी जो हमारी कोऑर्डिनेट काट रही है वो किस पॉइंट पर काट रही है, तो आप कहेंगे सर ये दो कॉमा दो पे काट रही है। तो इसमें हमारे किस पर काट रही है दोस्तों, दो कॉमा दो पे। और आपको पता है जो हमारा पहला होता है वो किसका मान होता है, एक्स का, और दूसरा किसका मान होता है, वाई का। तो मतलब कि हमें एक्स इक्वल टू कितना प्राप्त हो जाएगा, दो, और वाई इक्वल टू कितना प्राप्त हो जाएगा, दो। ये हो जाएगा हमारे एक्स वाई का मान और ये हो जाएगी हमारी ग्राफीय विधि का सॉल्यूशन। दोस्तों ग्राफ को ऐसे हम सॉल्व करते हैं। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपसे एक छोटी सी हम सॉरी कहेंगे आपके लिए, क्योंकि जो हमारी लाइन है थोड़ी टेढ़ी हो गई है। अगली बार जो भी हमारी वीडियो आएगी उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि अपने लाइन को सीधा सीधा खींच सकें। और आपको हमेशा ध्यान रखना कि दो कमा दो पर ही ये पॉइंट प्रतिच्छेद की है, तो हमारे एक्स और वाई का मान निकल चुका है। दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर भी करें। और दोस्तों आपको बता दें कि ये बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और आईसीएसई या फिर सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डायरेक्टली 5 नंबरों में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।